कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही जिले के सभी दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए जिला अधिकारी अरशद अजीज, हथुआ अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार रमन एवं SP मनोज तिवारी आज सड़कों पर उतरकर मीरगंज बाजार एवं लाइन बाजार का तथा वाहनों का मॉनिटरिंग किया तथा आदेश की अवहेलना कर दुकान चला रहे मीरगंज के कई दुकानदारों को सील भी किया। पुष्पेंद्र कुमार सिंह, गोपालगंज। सब पर वोटर है, इसके लिए आज के अंतर्गत काम करें। ठीक, टोटल सिंपल उद्देश्य है कि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग अनुपालन करें। आप जान रहे हैं कि बहुत ज़्यादा संक्रमण हो रहा है, काफ़ी संख्या में लोग प्रत्येक दिन निकल रहे हैं। हम लोग के जिला ही में कल 60 आदमी निकले, तो इस तरह से संक्रमण हो रहा है। संक्रमण होने का एक ही कारण है कि लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं या एहतियात नहीं कर रहे हैं, दूसरे में सख्त बात कर रहे हैं। बहुत खतरनाक है, ये सबको समझना चाहिए। इसी के लिए हम लोग घूम रहे हैं कि भाई लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें और अपना स्वास्थ्य बचा कर रखें, दूसरे करें बचाते हैं। कुछ दुकानें भी सील करेंगे यहाँ पर तो नहीं है, लेकिन ये मीरगंज में हम लोगों ने 3-4 दुकान सील किया। जो दुकानदार बैठे हुए थे बिना मास्क के, कस्टमर भी थे खड़े हुए, उनको सील भी किया गया और फाइन भी किया गया। तो जरूरी है कि अगर बिना मास्क लगाए हुए कोई भी दुकानदार बैठेंगे या उनके कस्टमर बिना मास्क लगाएंगे तो उनकी दुकान सील हो जाएगी। और बाकी लोग अगर मिलेंगे बिना मास्क लगाए तो उनको हम लोग 50 रुपये फाइन करेंगे। जी, लेकिन ये सब उनकी भलाई के लिए, हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। उनकी भलाई के लिए कि वो बच्चे रहें, स्वस्थ रहें। नहीं करेंगे तो महामारी का रूप होता जा रहा है और आगे खराब होगा।